वेलकम बैक टू द चैनल फ्लॉपा ब्लॉग। सो आज हम आए हैं, आपको पता होगा तो एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है पटना में जिसका नाम पिंड बालूची है, तो वहाँ आए हैं, वहाँ ट्राई करते देखते हैं क्या है और कैसा व्यू ऊपर से दिखता है किस तरीके का। तो बिस्कुमान भवन में आपको 17th फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है जो कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। मोर देन आपको इंटायर पटना यहाँ से दिखेगा। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, बहुत टाइम से सोचा था एक्सप्लोर करने का, तो आज वो टाइम आ गया। मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऊपर से क्या व्यू, कैसा नज़ारा दिखता है। ये है वो गेट, आप देख लो, पिंड बालूची रेस्टोरेंट, तो 17th फ्लोर पे है ये। तो यहाँ पे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो और सामने आपको रेस्टोरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग की। आपको गांधी मैदान बिस्कुमान भवन के पास ही है ये, बिस्कुमान भवन में ही है ये एक्चुअली। कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो वैसे टोटल पर्सन डाल लीजिए जितने अपने टेबल मिल जाएगी। ठीक है, एक अंडर फिशिंग मिले। कितने लोग हो जाएंगे? 5 मिनट और टाइम हो गया 5:30। टाइम के बेसिस पे कुछ चार्जेस देंगे? नहीं ना, चलो थैंक यू। एटीन फ्लोर पे मुझे 17 लगा। पहुँच चुके हैं पिंड बालूची के अंदर। ये इंट्रेंस है इस टाइप का, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे तो अंधेरा है, नो डाउट थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लग रहा है, बट जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको वाओ क्या सीन है, ऑसम। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब नीचे का जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे टेबल्स आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आके डायरेक्ट ही यहाँ पे ले सकते हो, मतलब कुछ बुकिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको और कोई आवर्ली चार्जेस नहीं है। तो अभी इधर साइड टेबल बुक है तो हम उस साइड जाएंगे और उस साइड शायद अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप प्री बुकिंग भी कराना चाहते हो तो करा सकते हो, यहाँ पे वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और ये 18th फ्लोर पे, 17th फ्लोर पे नहीं है, तो ये सीट है। तो चलते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं क्या है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है, ये आपका साइड का जो गांधी संग्रहालय है उसका टेरेस है। मेन्यू पिंड बालूची, तो ठीक ठाक है, खाना का प्राइस कुछ खास नहीं, अच्छा है, प्राइस ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी पिंड बालूची हम लोग पहुँच चुके हैं और पीछे का साइड देख रहे होंगे आप, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और नीचे आपको देखो तो हल्का हल्का मूवमेंट है, 45 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट होगा इसका, तो 45 मिनट्स, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए, 40 मिनट्स में उस साइड मिलते हैं नदी के साइड। थोड़ा मूवमेंट है बट।
गुड एक्सपीरियंस नो डाउट, काफ़ी सही खाना का क्वालिटी और प्राइसिंग भी ठीक था, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था और अच्छा खाना था। आप आ सकते हो, बस आज लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।